न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सालों से जर्जर सड़क के खिलाफ लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। लोग पानी से भरे सड़क के गड्ढों में कुर्सी रखकर बिल्कुल गोवा स्टाइल में गॉगल्स लगाकर बैठ गए और फिर मस्ती भरे गानों पर डांस करते हुए अनोखा विरोध जताया है। दरअसल सालों से मरम्मत नहीं होने के कारण यहां सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बारिश के बाद पानी और कीचड़ जमा हो गया है। इन्हीं गड्ढों में जमा पानी को लोगों ने स्विमिंग पूल का रूप दिया और उसमें डांस भी किया। रहवासियों ने बताया कि बिजुरी नगर पालिका अंतर्गत कपिलधारा कॉलोनी में सड़क निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। वहीं बारिश से सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर गया है। इससे इलाके के रहवासियों के साथ साथ राहगीर भी काफी परेशान हो रहे हैं। खराब सड़क से परेशान वार्डवासियों ने शनिवार को कपिलधारा तिराहे के पास यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ये वार्डवासी पिछले कई वर्षों से इस सड़क की दुर्दशा से परेशान हैं। वे सड़क की मरम्मत कराने और जल निकासी की मांग को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, बावजूद अब तक ना तो कॉलरी प्रबंधन और ना ही नगर पालिका प्रशासक ने सड़क बनाने में कोई दिलचस्पी दिखाई है। वार्डवासियों की माने तो इस साल तो हालात इतने खराब हैं कि बारिश के इस सीजन में बाइक सवारों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि सैकड़ों बार विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम किए जाने के बाद नगर पालिका ने सड़क निर्माण का टेंडर भी निकाला था, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार ने सड़क निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया। नगर पालिका में भी कई बार शिकायत दर्ज कराने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे परेशान लोगों ने अब विरोध का ये अनोखा तरीका निकाला है।